मन भी दो प्रकार का होता है, एक चेतन मन एक अवचेतन मन। आप लोगों की थोड़ी समस्या ज़्यादा हो जाएगी, ये समझ में थोड़ा लेट आएंगी आपको चीज़ें, क्योंकि विषय बहुत गहरे ध्यान का है। कुछ लोग गहराई को समझ पाते हैं तो वो लोग इसको समझ रहे हैं, कुछ लोग प्रयास करते हैं पकड़ने का, वो पकड़ लेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, क्योंकि जब मन भी एक से दो हो जाए तो फिर थोड़ी और मुश्किल हो जाती है कि अब क्या समझें। लेकिन थोड़ा सरलता से आप समझिए कि जो ये मन है, चेतन मन जिसको बोलते हैं, कॉन्शियसनेस माइंड, इसको आप समझे, इसका सारा का सारा कंट्रोल आपके जीवन के ऊपर है, शरीर के ऊपर है, आपकी आँखों के ऊपर, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, विचार के ऊपर, कंट्रोल करने की ताकत के ऊपर, जो आँखें देख रही हैं उसके ऊपर, जो पैर चल रहे हैं उसके ऊपर, ये सारा का सारा बाह्य जो कंट्रोल है, बाहर का कोई भी कंट्रोल, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये सारा का सारा कंट्रोल चेतन मन के कंट्रोल के अंदर है, उसके अधीन रहती हैं ये चीज़ें। एक मन होता है अवचेतन, उस मन में संस्कार पड़े हुए हैं। वो मन जब आप सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, चाहे आप सूक्ष्म में स्वपन के माध्यम से प्रवेश करो, चाहे आप सूक्ष्म में ध्यान के माध्यम से प्रवेश करो, चाहे आप सूक्ष्म में नाम के माध्यम से प्रवेश करो, चाहे आप सूक्ष्म में ये शरीर छोड़ के प्रवेश करो, यानी मृत्यु के बाद, तो फिर वो जो मन है जिसके अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, फिर उसका काम शुरू होता है, जन्म जन्मांतर के संस्कार। आप देखना कभी सपनों में, जो कभी आपने पता ही ना हो, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके अनुभव में आती हैं, वो संस्कार पड़े हुए हैं जन्म जन्मांतर के। जागृत लोग उन संस्कारों को हटाते रहते हैं, काटते रहते हैं, और वो कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो मन इस सांस के द्वारा, ये जो साधारण मन है, ये वहाँ तक, उस मन तक, अवचेतन तक ले करके जाता है, और अवचेतन के समझो गेट के ऊपर बैठ जाता है पहरा लगा करके, विचारों का, कि कहीं अंदर तक कोई विचार ना चला जाए, किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ तक ना पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ क्रिया पहुँचेगी तो कर्म संस्कार उठ करके आएगा, जो जन्म संस्कार से ले करके और इस जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन संत उन चीज़ों को तोड़ करके जीव को ऊपर उठाते हैं। ये श्वास चेतन मन आध्यात्म में ध्यान में नीचे रह जाता है, इससे ऊपर जब ये चढ़ाई होती है, श्वास भी होता है साथ में। कुछ लोग बोलते हैं श्वास को वहीं रोक लिया जाता है, वहीं तक का काम है, लेकिन नहीं, श्वास और ऊपर तक जाता है, और ऊपर जब चढ़ाई होती है ध्यान की, उस अवचेतन के अंदर, तो श्वास महसूस नहीं होता, लेकिन होता है। ये नहीं कि श्वास बंद हो गया, नहीं, प्राण होते हैं। तो आप जब सीखोगे इन चीज़ों को,
जब समझोगे, जब इस रास्ते के ऊपर चलोगे, कोई नहीं रोक सकता, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं आपको कोई रोक देगा।